आज मैं लेके आई हूँ गार्नियर विटामिन सी सीरम। और ये कैसा है, इसका काम क्या है और इसका रिजल्ट कैसा है, मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। देखते रहिए वीडियो पहले से एंड तक। इसमें लिखा हुआ है इसका रिजल्ट आप लोगों को 3 डेज में ही मिलेगा, लेकिन ये सच है या झूठ मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। देखते रहिए वीडियो क्या मिला मुझे और सब बताऊंगी, देखते रहिए। और इसका प्राइस है 619, लेकिन आप लोगों को ऑफर में मिल जाएगा ऑनलाइन से अगर आप लोग खरीदे तो। मुझे 450, शायद 450 में मिला था। और इसमें क्या क्या है ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। जिसके स्किन में डार्क स्पॉट का प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन, डार्क सर्कल ये सब है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट सीरम है। और मैं ये खुद लगा के आप लोगों को बोल रही हूँ, और इससे मुझे बहुत अच्छा वाला रिजल्ट मिला। 1 डे यूज़ करने के बाद ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा मेरे फेस में। पिंपल्स के बाद जो डार्क स्पॉट रह जाता है, इसके लिए ये बेस्ट है। बहुत कम समय में ही आप लोगों का डार्क स्पॉट सब खत्म कर देगा ये। आँखों के नीचे जो कालापन होते हैं ना, वहाँ पर भी लगाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज करता है फेस को। ग्लो के बारे में क्या बताऊँ, ग्लो तो 100% आएगा आपके फेस में। एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए। पहले बार आप लोग एक काम कीजिए, बड़ा वाला मत खरीदिए, क्योंकि सबके स्किन में सब कुछ सूट नहीं करता। इसलिए छोटा वाला जो 15 ml का मिलता है, शायद 15 ml वाला खरीद के देखिए। अगर वो आप लोग को सूट कर जाए तो आप लोग बड़ा वाला खरीद लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट सीरम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑनलाइन से ख़रीदिए, बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये सब कभी फ्लिपकार्ट से मत खरीदिए, फ्लिपकार्ट मीशो से मत खरीदिए, पर्पल नाइका इन सब ऐप्स से खरीदिए। वहाँ पर आप लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लिपकार्ट और मीशो से आप लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा, बैड रिजल्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ट्रस्टेड ऐप से ही खरीदिए, कभी भी ये सब गलती मत कीजिए। कुछ भी हेयर केयर, फेस केयर जो भी हो, आप लोग कभी भी फ्लिपकार्ट और मीशो से मत लीजिए। और मैंने इसे यूज़ किया हुआ 7 डेज हो गया, और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। मेरा जो डार्क स्पॉट है, अनइवन स्किन टोन है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है। और मेरा जो छोटा छोटा बम्स है स्किन में, वो भी बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। सबका स्किन अलग है, इसलिए सबके स्किन में अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप लोग पहले बार छोटा वाला जो टब मिलता है वो खरीदिए, उसे लगाइए, उसके बाद आप लोग बड़ा वाला खरीद सकते हैं। क्योंकि तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये आप लोगों के स्किन में कैसा काम करेगा। गार्नियर विटामिन सी रेंज का फेस वॉश और मॉइस्चराइजर भी मिलता है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये सीरम यूज़ किया है। इसे कैसे लगाती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, आप लोगों को बताऊँगी। अब मैं पहले फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद एक टोनर लगाती हूँ। टोनर में रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, उसके बाद ये सीरम यूज़ करती हूँ। और पॉन्स का जो सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है वो लगाती हूँ। इसके बाद धीरे धीरे मेरा फेस का जो प्रॉब्लम है वो अच्छा हो रहा है अभी। और ये सीरम ऑल टाइप स्किन के लिए अच्छा है। आई नॉर्मल, ऑयली, सब स्किन वाले ये लगा सकते हैं। मेरी ऑयली स्किन है और इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे सूट कर गया ये। मैंने पहले प्लम का जो विटामिन सी वाला सीरम है उसे यूज़ किया था, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गया। पहले बार 2 दिन तक लगाया, पिंपल्स हो गया। उसके बाद मैंने 3-4 दिन उसे लगाना छोड़ दिया। उसके बाद फिर लगाया, फिर ऐसे ही मुझे पिंपल्स होने लगा। उसके बाद मैंने बहुत दिन विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं किया, और फिर मैंने ये ले आया, और इसके बाद मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला इससे। सबका स्किन अलग है, इसलिए मुझे प्लम का सीरम यूज़ करने के बाद पिंपल्स हो गया, लेकिन इससे नहीं हुआ। मेरे तरफ से तो हाँ है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा ऑयली स्किन है। और आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हो तो छोटा वाला ख़रीद के देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और जो लोग पहले बार मेरे वीडियो देख रही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बाय।